4.5 एकड़, ये 12 महीने का पानी को लग के जगह है। बाजू में बंगला बना हुआ है और जगह के अंदर छोटा सा घर है। पूरी की पूरी जगह टेबल लैंड है। लाइट जगह के अंदर आया हुआ है, ये लाइट के पोल है। पूरी की पूरी जगह टेबल लैंड है और जगह का खासियत ये है कि ये वाशिन रेलवे स्टेशन से खाली 18 किलोमीटर पे है और मुरबाड से 9 किलोमीटर पे है। ये जो दिख रहा है ये एंट्री गेट है इधर जगह का, और ये रोड भी है। रोड ऐसा कोई कच्चा रोड नहीं है, ये बना हुआ WBM रोड है। ये देखिए ये एंट्री गेट है और ये जगह के अंदर जाते हैं। माउंटेन का व्यू 360 डिग्री में माउंटेन का व्यू है। वो वाइट कलर का बंगला भी है। ये वापस आपको रोड दिखा रहा हूँ, ये कॉमन रोड है जो अभी डांबर रोड भी बनने वाला है। जिला परिषद का सेंक्शन रोड है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे, तब ये जगह के भाव और ज़्यादा हो जाएंगे पूरे। ये रोड है आप देख रहे हो पूरा। बारिश में भी ऐसा नहीं कि कीचड़ होता है और गाड़ी नहीं जाती है, ऐसा नहीं है। ये लेफ्ट में जो रोड जा रहा है ये सीधा जाके डांबर रोड को टच होता है स्टेट हाईवे को। लेफ्ट वाला रोड ये वाला। तो ये आपको रोड इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आवे। और रोड अच्छा WBM बना हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम कीचड़ है वैसा, बारिश में भी गल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रोड ऑलरेडी, ये रोड इधर बड़ा फार्म हाउस भी है, उन्होंने भी बनाया हुआ है बंगला वगैरह। और ये रोड आगे जाके और भी प्रॉपर्टियों में जाता है, ये देख सकते हो आप। ये बंगलो मैं आपको जो बताया, पूरी की पूरी इन्होंने ईंट से वॉल कंपाउंड की हुई है, तो ये रोड उनके लिए भी है। ये रेगुलर का रोड है इधर से जाने के लिए, अपना स्ट्रेट जाता है रोड। और उनके ये वाला जो पिलर लगा है दोनों साइड, इधर से अपना डायरेक्ट जाता है और उनका राइट में जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अपने एंट्री का रोड। और सामने देखिए आप, मस्त व्यू दिखता है आपको पूरा माउंटेन का जगह के अंदर से। और ये लास्ट में जाके इधर जो वाटर का कैनल है उसको जाके टच होता है ये पानी। 12 महीना रहता है, खेती के लिए पानी छोड़ा जाता है। लाइट आया हुआ है, छोटा सा घर है स्टेशन के बाजू में, तो ऐसी प्रॉपर्टी कम मिलती है। ये देखिए ये जीता जाके पानी को टच होता है। ये लोग पानी छोड़ते ही रहते हैं खेती के लिए रेगुलर बहुत ही। और बारिश में तो बहुत ज़बरदस्त है, व्यू दिखेगा आपको। ये 12 जनवरी का है पानी का लेवल, खेती के लिए जो पानी छोड़ते हैं वो पानी है। और ये देखिए इधर चेक डैम बनाया हुआ है, ये देखिए ये जो है ये इधर है आगे चेक डैम, तो पानी स्टोरेज अच्छा खासा रहता है इधर। जगह आप देख चुके हो, पूरी की पूरी टेबल लैंड 4.5 एकड़ प्रॉपर्टी है। पानी को लग के वंस अगेन घर, लाइट स्टेशन के बाजू में, और मुरबाड में अभी स्टेशन आने वाला है, उधर से भी ये नज़दीक हो जाएगी तो रेट बहुत बढ़ेंगे। सामने बंगलो दिख रहा लेफ्ट में आपको, वो अपने बाजू में ही है उनकी प्रॉपर्टी। ये आ गए अपने बैक वापस, एंट्री वापस से एंट्री बता रहा हूँ आपको। माउंटेन का व्यू और कल्याण अहमदनगर नेशनल हाईवे अभी 4-वे हो रहा है, तो उसके भी अच्छे खासे रेट बढ़ेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मत छोड़ना, क्योंकि पानी को लग के है। मुंबई से नज़दीक में है कल्याण से खाली 36 किलोमीटर्स, आई रिपीट खाली 36 किलोमीटर्स पे ये जगह है कल्याण से। वाशिंग स्टेशन से खाली 18 किलोमीटर, तो किसी को भी कोई फैक्ट्री डालना है तो ये जगह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब इधर बंगलो बन जाएंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये रेट में नहीं मिलेगा,
हाँ, और दूसरा मेन पॉइंट ये बताने का था, इधर ऑलरेडी मुरबाड़ में MIDC आ चुकी है, बहुत सारी कंपनी है इधर, और ये 4 वे बनेगा तो रेट बैठे बैठे बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा रेट। और सैंक्शन रोड है, वापस आपको बता रहा हूँ, सैंक्शन रोड है, WBM बना हो चुका हुआ है, जैसे ये डामरी बनेगा वैसे ही रेट बढ़ेंगे। आप ऐसा अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, घर के ऊपर पीछे ही एक मस्त झाड़ है जो पूरे घर को चाव दे रहा है। नदी वंस अगेन आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिस्ट्रेस सेल है ये भी आपको बता देता हूँ मैं, ये घर का भी आपको बाजू से भी थोड़ा वीडियो दिखा देता हूँ। लाइट के पोल देख सकते हो, तो रेडी टू मूव है ये प्रॉपर्टी ऐसी। एक ही एक 4.5 एकड़ है पार्सल, तो वो आप 2 जन में डिवाइड करके ले सकते हो, टुकड़ाबंदी का भी तकलीफ़ नहीं आएगा आपको, क्योंकि 2 एकड़ के ऊपर है ये प्रॉपर्टी, और 2 जन में डिवाइड करोगे तो भी 2.25 एकड़ हो जाएगी। ये अंदर का, घर के अंदर का ये है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपका बंगला, मगर आपको अगर किसी को केयर टेकर को रखना है तो रेडी टू घर है, या कोई भी आप भी कभी आओ तो आपको एक रेडीमेड घर अंदर ही है, ऐसी ये प्रॉपर्टी। आजू बाजू सब प्रॉपर्टी गई हुई है, उसके भी पोल वगैरह लगे हुए हैं, और सामने ये ट्रांसफार्मर है, तो लाइट का तो आपको टेंशन है ही नहीं है। आपको अगर पावर बढ़ाने का भी है तो आप बढ़ा सकते हो। अगर आप ये जगह लेके गवर्नमेंट को, MSEB को भी दे दोगे 10 साल के लिए, तो वो भी वो ले लेंगे, तो जब तक रेट का एप्रिसिएशन बढ़ेगा आपको बेनिफिट ही मिलेगा। वो सोलार सिस्टम के लिए गवर्नमेंट भी 10 ईयर्स के लिए लीज़ पे लेती है। ये वापस एंट्री गेट आपको दिखा रहा हूँ, अभी नीचे से तभी ड्रोन से लिया हुआ था ये जगह के अंदर का वीडियो। लाल मिट्टी वाली जगह है पूरी, ये पत्थर नॉर्मल पत्थर है, मुरूम वाले बड़े पत्थर नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें करने जैसा काम है। ये पानी आपको ऊपर से भी दिखाया था, ये नीचे से भी दिखा देता हूँ, पानी का लेवल जनवरी मंथ में, मस्त मच्छियाँ वगैरह घूम रही है। हाँ, ऐसे पानी में आप फिश फार्मिंग भी कर सकते हो, एक आपका अच्छा एक इनकम होगा, या तो आप आपकी जगह के अंदर भी शेत तालाब का एप्लीकेशन लेके उधर भी फार्मिंग कर सकते हो। और चेक डैम था वंस अगेन आपको दिखाया, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा ऐसी प्रॉपर्टी के लिए। थैंक